छोड़ना नहीं है मैं किसी को भी भाई, जिससे हाथ मिलाया उसे मैं चीज के बारे में बताया। तीसरा लिस्ट बनाई, तीन लोगों से एवरीडे मिल रहे हैं, ना चार से, ना दस से, ना पंद्रह से, ना बीस से, केवल तीन से। तीन मील खाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तीन लोगों से मिलेंगे बिजनेस को स्वस्थ रखने के लिए। तीन लोगों से एवरीडे मिल रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर से पहले, महीने में 90 लोगों से मिल रहे हैं, खत्म। 50 ज्वाइन नहीं होंगे, 40 होंगे, 35 होंगे, 32 होंगे, 33 होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंद है। बात खत्म। शुरुआत के तो महीने लर्न नहीं करना है, लर्न कर लिया फिर तो अर्न करना है। तो पहले अर्न कहां से हो जाएगा जब तक लर्न नहीं होगा भाई? और पहले अर्न होता तो आप लोग पहले स्कूल में क्यों गए? फिर तो ऐसे होता है जब 60 साल का बंदा हो जाए तब स्कूल में जाएगा, कि पहले बचपन से ही पढ़ाई वो अर्न करो, जब 60 साल अब हो जाओ तो पढ़ाई करो। ऐसा पॉसिबल है? नो सर। तो फिर आप क्यों गलती कर रहे हो? फिर वेस्टीज में हम ये कोई गलती कर रहे हैं? तो पहले हमें क्या करना है? CNT, VIP, VLC, हेल्थ वर्कशॉप, ट्रेनिंग अटेंड करनी है। कोई पूछेगा भाई ग्लूकोसामाइन में क्या है, क्यों खाना चाहिए? पता नहीं दीपक जी क्यों खाना है, बस वो क्या आपके साथ जुड़ेगा? नहीं। तो सिंपल है, जब हमें नॉलेज ही नहीं है तो कैसे कन्विंस? ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले फोकस हो जाओ जिंदगी में। अगर आप फोकस नहीं हो तो आप बी फोकस हो, बहुत सिंपल है। और लोग आपको एक मिनट में बेवकूफ बना सकते हैं, वो बनाए ना बनाए आप खुद अपने आप को भी बेवकूफ बना सकते। आप तो अपने आप को ये भी कहते हो 10,000 कमा रहे हो बहुत है, तो बेवकूफ भी बना रहे हो। ये बेवकूफ भी बना रहे हो आप अपने आप को, और थोड़ी शायद हो सकता है आपकी एबिलिटी तो पता नहीं क्या हो, बट आप अपने आप को कह रहे हो ठीक है। और जब आप अपने आप को कह रहे हो ठीक है तो ठीक ही है, फिर गलत का है वो तो आपने अपने आप को कह दिया, खत्म हो गई बात। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिंदगी में, फोकस हो जाओ। फोकस, मुझे ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे केवल वो नजर आना चाहिए, कुछ और नहीं। 2014 में वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट कॉलेज क्रेस्कॉम पढ़ने चला गया न्यूयॉर्क, आता था जाता था वहां पे। 2014 में जब कॉलेज किया तो मैनेजमेंट डिप्लोमा किया मैंने, उन्होंने मेरे से एक चीज पूछी, दीपक आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इस पृथ्वी पे जिंदा क्यों? 2015 में उन्होंने मेरे जब कोर्स खत्म हुआ तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आप इस पृथ्वी पे जिंदा क्यों हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है आपका? मैंने एक लाइन लिख के लिखा हुआ है एक ही चीज, क्या 2025 में वेस्टीज से हम 1,000 लोग ऐसे पैदा कर देंगे जिनकी सालाना इनकम करोड़ों रुपए होगी। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस कौन है, उसको पता है मेरे को सालाना करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो सचिन तेंदुलकर को बॉल, क्रिकेट की बॉल बॉल नहीं नजर आती थी, जिसे वो फुटबॉल नजर आती थी। वो इतनी प्रैक्टिस करता था कि उसे बॉल, क्रिकेट की बॉल इतनी सी, वो इतनी नजर आ रही थी। जब इतनी नजर आ रही थी वो आप भेजता शुएब अख्तर आप ये ले। वो मैक्रॉथ का नाम सुने ना, ऑस्ट्रेलियन बॉलर, उसको कहा जाता था, वो इतना फोकस था, वो भी उसको कहा जाता था कि रात को वो सो रहा है 2 बजे उसे उठाओ, हाँ भाई मैगरा चल खड़ा बॉल डाल, तो पहली बॉल को डालेगा वो भी विकेट। इतना वो सोते भी इतना फोकस, शेन वॉन नाम सुना है ना? यस सर। इतना फोकस भाई साहब, ऐसे गुगली मारे हो भाई जाए। आप कितने फोकस इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी एक्शन करोगे मेरे को पता है ये होगा, वो वैसे ही होना चाहिए। मैगरा, शेन वॉन, कितने लोग वर्ल्ड के, वेस्ट इंडीज के, एक्स वाई जेड, जितने भी, सचिन तेंदुलकर उसको बॉल बॉल नहीं दिखती थी, उसे वो फुटबॉल। आपको जिंदगी में दिखती है,
आप कितने फोकस हो, आपको अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत में क्या चाहिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कैसे दिखता है, आसान दिखता है मुश्किल दिखता है कैसे दिखता है मुझे नहीं पता, आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी में आपको जो आपका पर्पस ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल फोकस होना चाहिए, यही दिख रहा है यही दिखना चाहिए। अर्जुन ने कहां पे तीर मारा था, मुझे क्या दिखाई दे रहा था, और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, उसने कहा मुझे क्या नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, दीपक जी मुझे ओखला नजर आ रहा है, दीपक जी मुझे वेस्टीज का ऑफिस नजर आ रहा है, डीपोक का, कोई पूछे क्या नजर आ रहा है, मुझे तो 2022 दिसंबर का चेक मेरा 5 लाख नजर आ रहा है, खत्म। कोई पूछ ले, कोई कह ले क्या नजर आ रहा है आपको, तो वही नजर आ रहा है, इतना फोकस।